ये खबर अंध भक्तों को बहुत ज़्यादा गहरी गुफा में घुसा सकती है, कंफ्यूजन में डाल सकती है, अपना बाल नोचने पर मजबूर कर सकती है। लिहाजा अंध भक्तों से गुजारिश है कि गोबर का मज़ा लीजिए, पेशाब पीकर किसी नाले में लौटिए और जो तुम ये करते रहो। क्योंकि बता दूं, बेचारे कंफ्यूज इसलिए होंगे कि रशिया को इसलिए सपोर्ट उनको करना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी रूस के साथ हैं, भारत रूस के साथ है और पूरी तरह से है। उधर से रशिया भी पूरी तरह से भारत को अपनी बाहों में लिए हुए है, छोड़ नहीं रहा है। भारत और रूस की दोस्ती इस वक्त अमेरिका पे भी भारी पड़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया पे भारी पड़ रही है। इस वजह से ताली तो बजा रहे थे कल तक अंधभक्त इसको मास्टर स्ट्रोक बोलकर, लेकिन अब बेचारे फंस जाएंगे क्योंकि व्लादिमीर पुतिन, अरब देशों को तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम खासकर मिडिल ईस्ट या एशिया की जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, उनके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और पूरी तरह से खड़े हैं। अब आप समझ लीजिए, लगभग 150 से 200 दिन हो गए हैं इस जंग को चलते हुए यूक्रेन और रूस की, और पहली बार इस जंग के दौरान खुद व्लादिमीर पुतिन पहली बार अपने मुल्क से बाहर निकल के कहाँ गए हैं, मुस्लिम मुल्क तुर्कमेनिस्तान। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, ये समझ लीजिए बोनस है आपकी मोहब्बतों की वजह से, वरना अपना बहुत बढ़िया चाय का धंधा चल रहा है। हाँ, चाय की दुकान खोल ली है मैंने बाहर, मैंने सोचा प्रधानमंत्री मैं भी बन लूंगा बुढ़ापे में। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति। ये तस्वीरों में देखिए स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब कमाल की बात इसमें यह है कि व्लादिमीर पुतिन, सिर्फ रशिया ही गैर मुस्लिम मुल्क था इस मीटिंग में, जिसमें ईरान, कजाकिस्तान, आज़रबाईजान थे। ये चारों पांचों देशों की जो मीटिंग हुई है ये काफ़ी अहम मीटिंग रही है, काफ़ी मजबूत इसमें जोड़ी नज़र आई है। कमाल की बात तो ये है कि ईरान और रूस की यहाँ पर केमिस्ट्री बेहद ज़बरदस्त नज़र आई है। तस्वीरों में ईरान और आप देखिए रूस, दोनों देशों के राष्ट्रपति का ये बॉन्डिंग अलग ही चीज़ बताता है। कोई जाहिल से जाहिल इंसान भी होगा वो इस तस्वीर को ही देख के समझ जाएगा कि ईरान की और रशिया की बॉन्डिंग अलग है। हालांकि आज़रबाईजान की भी कोशिश थी कि ज़्यादा फुटेज में चमके, लेकिन ज़्यादा फुटेज उनको नहीं मिली। यानी मीटिंग तो सभी की हुई लेकिन अहमियत ईरान को पुतिन ने बहुत ज़्यादा दी। इसी के साथ पहले मैं आपको वो फुटेज भी दिखा देता हूँ जिसमें अलग अलग देश जब अलग अलग अंदाज में वहां पहुंचे हैं तो उनका किस तरह से वेलकम हुआ है, देखिए। अब आपको बताता हूं इसका आधिकारिक नाम। ये जो इन पांचों देशों के बीच में मीटिंग हुई है इसका ऑफिशियल नाम है कैप्शियन स्ट्रेट। जी हां, ये कैप्शियन समझ लीजिए, कैप्शियन जो है इन ग्रुप का नाम है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि रूस के और ईरान के द्वारा लीड किया जा रहा है
अब इस मीटिंग का आपको फायदा बताता हूं और वजह बताता हूं। इन पांचों देशों ने मीटिंग करने के बाद सबसे बड़ा फैसला लिया है। पांचों देशों ने एक दूसरे की देश की सुरक्षा करने के लिए मिलिट्री कॉपरेशन किया है। कमाल की बात यह है कि एक दूसरे को ये मिलिट्री एक्सचेंज भी करेंगे, मतलब आपको अगर सैन्य ज़रूरत होगी तो मैं आपको अपनी सेना दे दूंगा, आप हमको दे देंगे। इन सब में सारे ही देश काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे और रशिया और ईरान सबसे ज़्यादा इसमें मजबूत होंगे, ऐसा ही कहा जा रहा है। इसके अलावा इन पांचों देशों ने ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर भी बात की है, और ख़ासकर जो दूसरे मुल्क से, यानी ख़ासकर अमेरिका हो, इजराइल हो, इनके द्वारा जो पाबंदियां अलग अलग देशों पे मनमानी करके लगाई जाती है उस पर भी चर्चा की गई है। वहीं आपको बता दूं, ईरान को लेकर, जो ईरान के न्यूक्लियर टॉक है उसको भी लेकर अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि दोहा में जो मीटिंग हुई है वो पूरी तरह से फेल हो गई है कतर में, क्योंकि इसमें ईरान हमारी कुछ शर्तें नहीं मान रहा है। ईरान का अपना अड़ियल रुख है जिसकी वजह से ये मीटिंग फेल हो गई है, यानी एक बार फिर से न्यूक्लियर टॉक फेल हो गई। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि हमास के पास 4 इजरायली हैं, 2 की लाशें हैं और 2 कैदी हैं, जिसमें एक कैदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इजरायल ने इजिप्ट से कहा था कि भाई हमको बताओ पता करके कि वो जिंदा है, मर गया है, सही सलामत है कि नहीं। तो उनकी फुटेज जारी करी, इजरायली जो इंसान है उसकी फुटेज जारी करी, ऑक्सीजन लगा हुआ था उसके, काफ़ी बीमार नज़र आ रहा था। जिसके बाद इजरायल ने कहा कि ये शैतानों वाला काम है, अमानवीय है, मतलब गैर इंसानी है, ऐसा सिर्फ जानवर कर सकते हैं। जबकि बताइए, कमाल हो गया, जानवर कह रहा है कि जानवर जैसा काम ना करो, कमाल की बात। लेकिन हमास ने कहा कि हम इन यहूदियों के बदले, तुम्हारे इस कैदी के बदले, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप तमाम जो फिलिस्तीनी हैं जिनको आपने बेगुनाह गिरफ्तार किया हुआ उनको आज़ाद कर दें, हम इनको आज़ाद कर देंगे। तो फौरन असली रूप में आ गया इजराइल। इजराइल ने कहा कि ना, हम नहीं मानेंगे, यानी साफ साफ कह दिया है कि हमारे नागरिकों को मारो, पीटो, कुछ भी करो, लेकिन हम फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ बता दूं कि वो जो यहूदी बीमार है जिसके एक्सचेंज के लिए इजराइल ने मना कर दिया है, उससे एक इजरायली एक्टिविस्ट मिलने के लिए तैयार है, मिलना चाहता है, जिसको हमास ने अप्रूव भी कर दिया है कि आप आके मिल सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अभी तक उस एक्टिविस्ट को, इजरायली एक्टिविस्ट को, खुद इजराइल ने परमिशन नहीं दी है, और हमास 3 महीने पहले उस एक्टिविस्ट को परमिशन दे चुका है। वहीं तुर्की के दुश्मन साइप्रस को इजराइल ने एक एग्रीमेंट के तहत मिलिट्री के लिए हथियार दिए हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं आई है कि किस तरह के हथियार दिए हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इजराइल ने तुर्की से हाथ मिला के तुर्की के ही दुश्मन को हथियार थमा दिए हैं। बहुत बढ़िया इजराइल, बहुत बढ़िया। और ये होना ही था तुर्की के साथ, इजराइली जाने ही इसे ले जाते हैं पीठ में खंजर भोंकने के लिए। वहीं जो खबर आ रही थी जॉर्डन को लेकर कि जॉर्डन मिलिट्री अलायंस बनाएगा, मिलिट्री कॉरपोरेशन करेगा इजराइल के साथ, अब जॉर्डन ने आधिकारिक तौर से मना कर दिया है, साफ कह दिया है कि हमारा कोई इजराइल के साथ ऐसा इरादा नहीं है कि हम उसके साथ कोई मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे। आपको बता दूं काफ़ी बड़ी खबर, कतर सरकार ने लेबनान की सरकारी मिलिट्री को, उनको जिसको आप समझ रहे हैं ना हिजबुल्ला उनको नहीं, वो गैर सरकारी है, वो प्राइवेट है, वो एक समझ लीजिए धार्मिक सेना है उनकी, वो धर्म गुरु की सेना है। मैं बात कर रहा हूँ लेबनान की सरकार की फौज की, उनको $60 मिलियन दिए हैं कतर ने। और आपको बताऊं, किसी को भी दिए हों इसराइल को ये बात पसंद नहीं आएगी। वहीं बाइडेन ने साफ कह दिया है कि ठीक है भाई साहब, हम तो सऊदी अरब के प्रिंस से मिलेंगे, लेकिन हम दबाव नहीं डालेंगे कि तेल वेल यार ज़्यादा निकालो, ये क्लियर कर दिया है बाइडेन ने। वहीं आपको बता दूं, ईरान ने भी अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। आपको बताऊं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि बगदाद में, यानी इराक की राजधानी में, ईरान की मीटिंग इजिप्ट और जॉर्डन के साथ शुरू हो चुकी है। अब आपको मैं फिलिस्तीन के अंदर ले चलूँगा, फिलिस्तीन के इलाके नेबुलस के अंदर
खतरनाक तरीके से आम नागरिकों पर, फिलिस्तीन के लोगों पर इसराइल की आर्मी ने गन फायर किया है, फायरिंग करी है, जिसमें 17 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुए हैं। सबूत आपकी स्क्रीन पर। अभी आपने हमला देखा, इस हमले में जब 17 लोग बुरी तरह से फिलिस्तीनी घायल हुए, तो उनके लिए जब वहां पर एम्बुलेंस आई, तो एम्बुलेंस को भी, स्क्रीन पर देख लीजिए, अब एम्बुलेंस को भी उस इलाके में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए, घायलों की मदद के लिए जाने नहीं दिया गया। अब आप ये बताइए कि कौन हैवानियत का काम कर रहा है, इंसानियत किधर है। इसी के साथ बाइडन ने खुद कह दिया है कि तुर्की को F-16 विमान दे देना चाहिए। अब इसको रजब तैयब अर्दोगान का जलवा कहें या आप कुछ भी कहें, लेकिन सोचिए, बाइडन अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं पहले से ही F-16 विमान तुर्की को देने के लिए समर्थन कर रहा हूं। लेकिन इस अमेरिका पे आप भरोसा भी मत कीजिएगा, ये दो लोगों को, दुश्मनों को, एक दूसरे के दुश्मनों को हथियार प्रोवाइड कराता है। कैसे? F-16 विमान अब तुर्की को देने को कह रहा है और तुर्की के ही दुश्मन ग्रीस ने F-35 विमान, जो पहले तुर्की अमेरिका से मांग रहा था, वो F-35 विमान अमेरिका से मांगने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ खौफनाक ऑपरेशन आपको दिखाना चाहता हूं। तुर्की ने 29 पीकेके को 29 पीकेके के लड़ाकों के ऊपर ऑपरेशन करके, हमला करके कत्ल कर दिया है। अभी तक का इस पूरे महीने में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है पीकेके के खिलाफ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।